क्या किया है, हायर एजुकेशन ने इन्होंने एक अम्ब्रेला एक्ट बनाया और उस अम्ब्रेला एक्ट के अंतर्गत जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है यहाँ पर जो लोग जो प्रोफेसर और जो लोग काम कर रहे हैं लेक्चरर उनको ज़बरदस्ती कहा कि आप जो हैं महाविद्यालय में जाइए। उन्होंने कहा हम नहीं जाते हैं, फिर उनकी वेतन रोक दी। वो लोग फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया सरकार को कि आप जो हैं इनका वेतन नहीं रोक सकते हो, तब जा कर के उनका वेतन मिला। दूसरा ये है कि जो महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं या महाविद्यालय खुले हैं उनमें जो नियुक्तियाँ अभी तक इन्होंने नहीं की है, अब जो नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं उनमें पारदर्शिता नहीं है, उनमें बिल्कुल भाई भतीजावाद है, उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी के जो शैक्षिक स्तर का मामला है हायर एजुकेशन का, उसको बिल्कुल डाउन करने की मांग है। ये दूसरा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, उसको बिना किसी परमिशन के गुपचुप से जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे हमारे राज्य में अगर केंद्र सरकार कृषि विश्वविद्यालय खोलती है केंद्रीय, तो वो दूसरा खोले। हमारा जो एसेट है राज्य का उस एसेट में ही न घुसे, वो अपना खोले। आज हम हमारे यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलाइए, इससे हमारे यहाँ के जो लड़के और लड़कियाँ हैं उनको एडमिशन में दिक्कत आ रही है। हमारा पुराना जो विश्वविद्यालय का स्वरूप था उसको कहीं भी रास्ता नहीं मिला। आज केंद्र को जो है बन बनाया स्वरूप मिल गया, उतना पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया, उनको फोकट में यूनिवर्सिटी मिल गई। अब हमारा कहना ये है कि अगर राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलता है तो जो हमारे राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनको न छेड़ा जाए, केंद्र अपना अलग खोले, अलग जगह ले, अलग अपना सेटअप बनाए, अलग अपॉइंटमेंट करे, न कि जो हमारा सेटअप है उसमें घुसने की बात।